जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये KS जो टेस्ट होती है ना, KS कॉमन गम, इसका तो नाम भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई ये KS टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे टीचर ने असाइनमेंट दिया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बिटवीन टू जेंडर्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल में जो है वो स्टेट्स जो है इसके निकाल के दो SPSC के थ्रू। तो SPSC 27 सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से उठा के आपने जो है पहले कॉपी करना है पूरा, ठीक है, उठा के जो है आपने ये कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल सी दबाने के बाद आपने यहाँ पे जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ठीक है, यहाँ पे जाके ट्रिक क्लिक किया, तो आपका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरे जो है कितना सैंपल अभी चेक करें कि कितने हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है 94 हैं, तो यहाँ पे भी 94 आ रहे हैं, हाँ भाई 94 हैं, चलो हो गया। अभी जो है मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये मेल एंड फीमेल जो है मैंने यहाँ वेरिएबल में डाल दिए हैं। तो मेल एंड फीमेल जो हैं मैंने कैसे उठाए हैं, यहाँ से मेल को मैंने कंसीडर किया है, डेनोट किया है नेम नंबर वो 1, और फीमेल को 2। तो यहाँ से मैंने 1 से लेके लास्ट जो है डिजिट वो है 94, ठीक है, इसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे जाके आपने इसको यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ कॉपी हो गया। तो ये फिर से आप देखेंगे भाई 94 हैं डिजिट, हाँ भाई 94 है। चले अभी वेरिएबल वी में चलते हैं, तो जो आपने इसको हेडिंग देनी है, हेडिंग वो है जेंडर और दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जेंडर जो है वो जेंडर एक मैंने वेरिएबल रख दिया जेंडर, दूसरा रख दिया मैंने क्वालिटी ऑफ लाइफ। जेंडर में जो है मैंने डेसिमल रख दिए 2, ठीक है, जेंडर में ना रखें डेसिमल भी तो आपकी मर्जी है, सही है, ये हो गया जेंडर। अब जेंडर में जो है आपने वैल्यूज़ में जो है 2 एंटर करने हैं, एंटर कैसे करने हैं आपने, मेल ये हो गया मेल, फिर ऐड करना है आपने, फिर ओके करना है, मेल आ गया, फिर फीमेल जो है 2 लिखना है और फीमेल ऐड करना है, आ गया, ये हो गए मेल फीमेल, ठीक है। अब आपके पास मेल फीमेल जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है नन, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इधर लिखना चाहें आप क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये आ गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो सारा हो गया क्लियर आपका। अभी आप जो है इसकी नॉर्मलिटी टेस्ट हिस्टोग्राम कैसे निकालेंगे, एनालाइज में जाएं, एनालाइज में जाके जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, उसके बाद जो है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करें इसको, ठीक है। अभी आपके पास जो डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट वो होते हैं, अब देखें ये जो है ना एक बड़ी ट्रिक थी यहाँ पे कि भाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो है फैक्टर लिस्ट वो कौन सी है, ठीक है, पहले रीसेट कर लेते हैं इसको। तो डिपेंडेंट जो हैं वो है हमारा, हमें क्या मालूम करना है, फाइंड आउट करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मेल एंड फीमेल में कौन सी है, तो डिपेंडेंट कौन से हुए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, और फैक्टर कौन सा है, मेल एंड फीमेल। अभी जाके स्टेटिस्टिक्स में आपने 95% आपका कॉन्फिडेंट इंटरवल हो गया, आपने मालूम करना है 0.005 सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल, तो ये हो गया आउटलाइनर। आउटलाइनर मतलब कि आपके पास जो सामने आ रहा है वो 95% CI कॉन्फिडेंट इंटरवल हो गया। उसके बाद जो है प्लॉट्स, जो है आपके प्लॉट्स कौन से चाहिए, स्टम एंड लीफ प्लॉट चाहिए आपको, चलो भाई चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, चलें ये भी चाहिए, और बॉक्स प्लॉट जो हैं, चलें बॉक्स प्लॉट
को भी जो है बॉक्स प्लॉट जो है नहीं करते, नन कर देते हैं। अब नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, अब ये जो है केएस टेस्ट जो है वो आपके सामने रखेगा, ठीक है। और स्प्रीड जो है वीएस लेवल विद लीवेंस टेस्ट, इसमें जो है आप नन कर दें, सही है। तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया शुरू, आपका जो है स्टेट्स आ गई है सारी। अभी जो है अभी जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 52 और 42 कितने हुए, 94 पूरे हो गए, ठीक है। मेल हैं हमारे पास 52 और फीमेल्स हैं 42, ठीक है। परसेंटेज है 100 100%। और नीचे आएंगे आपके पास मीन आ गया, ठीक है। मीन आ गया 95%, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, लोअर बाउंड अपर बाउंड मीडियन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी आ गई 11, मिनिमम मैक्सिमम रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज स्क्यूनेस कर्टोसिस ये सारी जो है चीज़ें आपकी आ गई। अभी चलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों शो हो रहे हैं। और उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी, अब टेस्ट जो है वो मेल स्टेटिस्टिकली जो है 0.05 है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 है। तो हाइपोथेसिस जो है आपकी यहीं से जनरेट होगी। और जो फीमेल का स्टेटिस्टिकली वो है 0.086, मीन्स 0.05 से कम है, ठीक है। और शिप्रो विल्क टेस्ट में आप देखेंगे वो भी दोनों ऐसे ही हैं, ठीक है। लेकिन जो है इसकी सिग्निफिकेंस दोनों जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, 0.05 से। तो हिस्टोग्राम जो है आपका ये आ गया, हिस्टोग्राम भी जनरेट हो गया है यहाँ पे। और स्टम एंड लीफ प्लाट्स भी हो गए हैं जो आपने जनरेट किए हैं, ठीक है। और क्यूकी प्लाट भी हो गया है। और बाकी जो है आप केस प्रोसेसिंग समरी ये भी आ गई, केस प्रोसेसिंग समरी, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लास्ट में जो है काम आएंगी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हो गई, एक्सट्रीम वैल्यूज भी आ गए, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये दो बार आ गए। अभी जो है जो असाइनमेंट है वो है कुछ इस तरह, आपने पुट कैसे करना है। तो कंपेयर करने हैं दो वैल्यूज़ और बर्थ के जगह पे आप रखेंगे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। फीमेल मेल, सो वी हैव टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स मेल्स एंड फीमेल्स विच वेरिएबल वी एक्सप्लोर एनालाइज बर्थ वेट डेटा आर स्केल टाइप, बिल्कुल स्केल टाइप है। सैंपल साइज जो है वो एटलीस्ट 25 25 से हमारी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो है इस टेबल को हटा के जो है आपने नई वाली टेबल लगानी है, ठीक हो गया। वो आपने यहाँ से जाके कॉपी पेस्ट करनी है ऊपर जाके, सही है। ये हो गई केस समरी। अब केस समरी जो है आपने कॉपी करनी है, कंट्रोल सी दबाया और आपकी हो गई कॉपी और यहाँ पे आपने डाल दी, सही हो गया। ये हो गया केस समरी। और इसके बाद टेस्ट नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी टेस्ट जो है वो आ गई, ये आपने हटा दी और अपनी वाली नॉर्मलिटी टेस्ट आपने यहाँ पे पुट कर दी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने है, ठीक है। केस ऑफ नॉर्मलिटी भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये कंट्रोल सी दबा दिया आपने और ये सामने जो है आपकी केस ऑफ नॉर्मलिटी आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंसीडर कर दिया ऑफ मेल एंड फीमेल्स, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ
आपदी मेल्स मेल्स मैचेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एस। अब ये पूरा जो है आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस जो है वो रिपोर्ट यहाँ पे डालनी है वहाँ से उठा के। बाकी पहले जो है क्योंकि ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, पहले आपको जो है ना ये सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा कॉपी करके, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन भी लगा देते हैं यहाँ पे, ये हो गई डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन भी आ गई यहाँ पे, ठीक हो गया। और फिर इंडिपेंडेंट सैंपल्स, अब इंडिपेंडेंट सैंपल्स जो है आपने यहाँ पे और यहाँ से उठा के थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसी वजह से मजा है। अच्छा, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए हमें जो है एक और अलग जो है वो टेस्ट करनी पड़ेगी, जो इंडिपेंडेंट में जाके जो है वो करनी है, ठीक है। तो ये हो गई टोटल यहाँ पे, और उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल पे टेस्ट वेरिएबल ग्रुप वेरिएबल, ओके। ये आ गई आपकी इंडिपेंडेंट सैंपल आ गई, ठीक है। ये आपने उठा के इधर पुट कर दी अपनी वाली, इसको आपने हटा दिया। अच्छा, इन